ये रहा। हाँ। और आज सिंधल साहब आए हैं, मुझे धमकी दे के गए हैं सिंधल साहब, और कोठारी जी ने भी मुझे बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते है ना, हम तो यहाँ पे लगाएंगे आपका, यहाँ से स्पेस हम उखाड़ेंगे, आपको करना है जो कर लो, गवर्नमेंट से ऊपर आप नहीं हो। मैंने कहा सर आपने बोला था रेलवे अलग है गवर्नमेंट से, मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ। मैंने इनको बोला सर कि आप हमारे साथ मिलके कर लो, स्टेज यही रख लो, मैं 8,000 रुपए सर मेरे पर्सनल दे रही हूँ, मैं एक योगा मिशन लेके जन जन में अपनी सेवा दे रही हूँ, उसके बावजूद ये कह रहे हैं आपका तंबू तो हम उखाड़ेंगे। सर 15-20 गुंडे टाइप लोग लेके आए और हमको पुलिस को फोन करना पड़ा, और मैंने खुद अभी एसपी सर को बोला कि सर ये क्या एसडीएम की धमकी दे रहे हैं, और कोई सिरोही से तहसीलदार आया, उन्होंने बोला तहसीलदार नहीं आया, सिंपल वर्डिंग में। और सर आज मैं खड़ी भी हूँ जिंदा इस सिटी में तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट है तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे गया नहीं तो कभी का ये राम नाम सतमेरा करवा दे। 3 से 4 तो इन लोगों ने एक्सीडेंट करवाया है मुझे मारने के लिए, मैं आपको साफ कह दूं, और मुझे कुछ होता है तो मैं तो इनको पकड़वाऊंगा। अब ये बंदा कह रहा है कि मैं तो यहाँ पे स्टेज यहाँ बनाऊंगा, 1,00,000 का मेरा टारगेट है, आप तो कुछ भी नहीं हो। मैं कहा भाई हम तो धरती पर बैठ के करवाएंगे होगा, पर ये अठू अटेगा को नहीं, हमारे साथ कर लो, गवर्नमेंट के आदमी भेजे। मैंने कहा पतंजलि मेंबर तो मैं भी हूँ सर, आप चाहो तो कल सुबह। अब ये धमकी देके गए सर, जैसे ही रेलवे ऑफिसर आए हमने बुलाया रेलवे ऑफिसर को, वो चले गए बेंच पे रख दूंगा। मैंने कहा ठीक है, वो तो कह रहे गाड़ियां लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे।